मेरा नाम श्रीमती निर्मला सक्सेना है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र ओरछा 2 की हूँ और हमारे सेक्टर ओरछा है और मैं परियोजना ओरछा अबुझमाड़ की हूँ और हमारे जिला नारायणपुर है। अभी आंगनबाड़ी में बुलाने के लिए जैसे कोविड के दौरान कोई कोई डर जाते हैं और कोई कोई यानी कि भेजते तो हैं, लेकिन हम लोग उनको बताते हैं कि हम बच्चे को दूरी में रखेंगे, वहाँ सैनिटाइजर लगाएंगे और हैंड वॉश से हाथों को धुलाएंगे, ऐसे डरने की जगह नहीं है बोले। यानी कि हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप भेजो, लेकिन जैसे कोई नहीं भेजते हैं तो हम ज़बरदस्ती ना फोर्स नहीं करते हैं बच्चे के माँ बाप को। एक बार समझा देते हैं, दो बार समझाते हैं, लेकिन तीसरा बार यदि उन लोग नहीं भेजना चाह रहे हैं तो ज़बरदस्ती वो नहीं कर रहे हैं। सारे महिलाओं को हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाते थे, बिठालते थे और जैसे कोई 6 माह का बच्चा होता था, 6 माह पार कर लिए होते थे, उनको अन्नप्राशन कराना था तो हमको अन्नप्राशन कराते हैं। उसके बाद जैसे 7वें महीने जैसे गर्भवती माता को हम गोद भराई करवाते हैं सर, और जो बच्चे जन्मदिन रहता है उसका भी हम लोग जन्मदिवस मनाते हैं। साथ में जैसे अन्नप्राशन कराने के साथ हम महिलाओं को बोलते हैं कि आज से आपका बच्चा ऊपरी आहार खाने लायक है, और हम उसको रेडी टू ईट के महत्व के बारे में बताते हैं, और साथ में भाजी वगैरह जो हरा साग सब्जी खिलाने का है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। प्रसव होने वाली माता है उसको और ज़्यादा जानकारी देते हैं, उसके साथ उनके सास वगैरह आए रहते हैं या उनके ननद, उनको भी बताते हैं।